बड़ी खबर आ रही है अलीराजपुर जिले से। जोबट नगर में सोने चांदी की दुकान पर दिन दहाड़े हुई लूट के पांचों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 दिन के अंदर अलीराजपुर पुलिस ने चांदी के आभूषण व सोने की चेन के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास स्वयं भी मौके पर वहां पहुंचे थे। वह घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए अज्ञात आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जोबट SDOP नीरज नामदेव के नेतृत्व में थाना प्रभारी जोबट सोनू सिटोले व अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़कर लूटे गए जेवर बरामद करने में सफल हुई पुलिस। आरोपियों से जब्त की गई सामग्री चांदी के आभूषण लगभग 3 किलोग्राम चांदी कीमत लगभग 2,14,380 रुपये तथा सोने की एक चेन कीमत लगभग 50,000 रुपये व घटना में प्रयुक्त 2 होंडा शाइन मोटरसाइकिल लगभग कीमत 1,40,000 रुपये, कुल मशरू का कीमत लगभग 4,04,380 रुपये का जब्त किया गया। अलीराजपुर से जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। चलते बराबर बन रहा है कि नहीं मैडम? थोड़ा इधर आ जाए। सर, ये जोबट में जो लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, दिन दहाड़े लूट हुई है, आरोपी पुलिस गिरफ्त में, क्या कहेंगे उसको? दिनांक 24 मई को जोबट कस्बे में डकैती की घटना हुई थी, जिसमें करीब 8 बदमाश 3 मोटरसाइकिल से आए थे और एक दुकान पर एक वृद्ध महिला थी, उसको फालिया से उस पर चोट पहुँचाकर उसके दुकान पर कुछ जेवरात थे वो चोरी करके ले गए, लूट कर ले गए। इस पूरी घटना पर ये सभी घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, इस पर गंभीरता दिखाते हुए मेरे द्वारा इनाम की घोषणा की गई थी और एक स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन टीम को हमने गठन किया था। इस स्पेशल टीम ने ना सिर्फ जोबट कस्बे के CCTV फुटेज बल्कि आसपास के कस्बों के भी जो जाने वाले मार्ग होते हैं वहाँ के CCTV फुटेज निकाले, टेक्निकल सर्वेलेंस किया और साथ में जो पुराने जो बदमाश थे उनके बारे में पता किया। हमारे जो जिले के विभिन्न अधिकारियों की हमने 5 टीमें बनाई थी, इन टीमों के जो लगातार उसके बाद में पूछताछ कर रही थी, लोगों के बारे में पता कर रही थी और जानकारी मिलने पर कि ये वारदात जिन बदमाशों ने की है वो करवाड़ा के जंगलों में है, वहाँ पर पुलिस द्वारा देर रात दबिश दी गई और वहाँ पर ये 4 आरोपी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा ये घटना को करना बताया गया और उनसे जब पूछताछ की गई कि जो लूटा हुआ माल कहा है तो उनके द्वारा बताया गया कि मनावर के एक सुनार को उन्होंने दिया है, उसके घर से भी पुलिस ने ये लूटा हुआ माल जो है वो बरामद किया है। लूट में जो डकैती में जो 2 मोटरसाइकिल क्यों घटना आई थी वो दोनों मोटरसाइकिलें पुलिस को मिल गई है, उसको भी पुलिस ने विधिवत जब्त किया है, एक फलिया जो है वो भी पुलिस ने जब्त किया है इनसे और एक देशी कट्टा, इस तरह से हथियार भी जब्त हुए हैं, मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है और जो लूटा हुआ माल है वो भी जब्त हुआ है। इसमें अभी पुलिस ने 4 जो घटना में थे 4 आरोपी उनको गिरफ्तार किया है और साथ में एक सुनार को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी अभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो पुलिस की अभी गिरफ्त में नहीं है, लेकिन पुलिस जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेगी। जो हमारी टीम है, हमारे एडिशनल SP प्रदीप पटेल, हमारे SDOP नीरज नामदेव और हमारे जो जोपट TI सोनू और बाकी जो हमारे TI हैं सभी ने बहुत मेहनत से इस जो हमारी वारदात के खुलासे में इन्होंने सहयोग किया है। पूरी रात रात भर इन्होंने सर्चिंग और आरोपियों के बारे में पता किया है और इन सबको उचित इनाम दिया जा रहा है और जो हमारे जो 4 आरोपी हैं उनके बारे में भी उनके इनाम की जो राशि है उसको भी बढ़ाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण को दी जाएगी। सर, आरोपी का सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।